हरियाणा का एक मुख्यमंत्री जिसके लिए कहा जाता था कि वो अकेले भी अगर जीत गया तो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखता है। हम बात कर रहे हैं भजन लाल की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भजन लाल के दो पुत्रों की जो इस बार चुनावी मैदान में थे कांग्रेस के टिकट पर। पहले हैं कुलदीप बिश्नोई और दूसरे हैं चंद्रमोहन आका ऑल्सो नोन एज चांद मोहम्मद। तो कुलदीप बिश्नोई लड़े थे आदमपुर हिसार की सीट है जो कि भजन लाल का गढ़ माना जाता है। वो कई बार वहाँ से लड़े, 1968 के बाद से वो वहाँ पे नहीं आ रहे। और चांद मोहम्मद चंद्रमोहन जो भी कह लीजिए आप, चंद्रमोहन जो है वो पंचकुला से लड़े इससे पहले की, हालांकि वो कालका से चुनाव लड़ते रहे थे। चार बार वहाँ से MLA बने। 1991 के विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, उसके बाद वहाँ पर बाय पोल्स हुए थे। बाय पोल्स में भजन लाल ने अपने बेटे को कालका से उतारा था क्योंकि उनको लगा वो सेफ सीट है, वहाँ से जिताया जा सकता है। चंद्रमोहन ने वहाँ से अपनी राजनीति शुरू करी। लेकिन आप ये देखिए, 2005 में जब उनका पॉलिटिकल करियर सबसे ऊपर चढ़ता है, उनके पिता का सबसे नीचे आ जाता है। 2005 का चुनाव भजन लाल के नेतृत्व में लड़ा गया, कांग्रेस को बहुमत मिला, मगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर डील हुई तो जो इनके बड़े पुत्र बड़े थे, बेटे हैं चंद्रमोहन, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन फिर डिप्टी सीएम 2008 में एकदम से गायब हो जाते हैं और हरियाणा सरकार भी उन्हें ढूंढती रहती है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बाद सामने आते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं, जिससे पता लगता है कि उन्होंने अनुराधा बाली, जिनका नाम फिजा रख दिया गया था, उससे शादी कर ली है। उन्होंने सीट पे क्या देखने को मिला? सीट पहले तो हम बता देते हैं, वो ज्ञानचंद गुप्ता से चुनाव हार चुके हैं, 5000 से ज़्यादा का मार्जिन रहा। जब मैं इंटरव्यू लेने भी गया था चंद्रमोहन जी का, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी डल हो चुकी है। मतलब आप एक नेता के पास जाते हैं, नेता के पास आपको चहकते बहकते बिल्कुल लोग दिखते हैं, है ना, एनर्जी से पूरे। लेकिन मेरे को वहाँ पर जितने लोग दिखे वो सब उनसे बड़े थे, सिवाय उनके बेटे और उनकी बहू के। सब बुजुर्ग लोग थे जो शायद उनके फादर के टाइम के लोग थे। अपने भजन लाल की कोठी है पंचकुला में, वहाँ पर वो बैठे थे। गाड़ियों का तांता ज़रूर लगा हुआ था लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर आप बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके नाम की चर्चा हो रही है। वो ज्ञानचंद गुप्ता का ही जिक्र हो रहा था जो कि सिटिंग MLA है वहाँ से। और मुझे लगता है कि 2008 में जो फिजा प्रकरण हुआ, उसके बाद 2009 के चुनाव हुए थे जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2008 में जब हरियाणा जनहित कांग्रेस भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई ने बनाई, तब भी ये हरियाणा जनहित कांग्रेस में नहीं गए थे। ये कांग्रेस में ही रहूंगा, 2009 का चुनाव नहीं लड़ा। कुछ ही महीने बाद ये फिजा से अलग हो गए थे। फिर आता है 2014 का चुनाव। 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से ये नलवा सीट से लड़े थे जो कि भिवानी में पड़ती है, और वहाँ जाकर इन्होंने लोगों को कहा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, हालांकि वो मना करते लेकिन उनके कोट छपे हुए हैं कि घर घर जाकर कहते थे ताऊ तेरा छोरा वापस आ गया, ए मना जिता दे। बहुत कम मार्जिन से हारे थे, 1-2 हज़ार का मार्जिन रहा था लगभग, लेकिन वहाँ से चुनाव हार गए। 2019 चल रहा है, अब कांग्रेस में आए, अब भी चुनाव हार गए। तो डिप्टी सीएम ऐसा ना जो रहे उनका पूर्ण विराम लग रहा हो ये, क्योंकि वो खुद भी बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं। एक्टिविस्ट लिहाज से कि आप एक नेता के पास जाते हैं तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, उसके कार्यकर्ता बहुत कुछ बताते हैं। आप देखिए कि मैं उनकी कोठी पर गया, उस वक्त कोठी पर उनकी गाड़ी पर मेरे को कहीं पर भी कांग्रेस का झंडा तक नहीं दिखा था। वो कोठी बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी आलीशान कोठी जिसके बाहर भजन लाल लिखाया हुआ है, भजन लाल जिसके लिए मशहूर थे कि उनको पता है कि कैसे मैनेजमेंट करनी है। उस लिहाज से उनके जो बेटे थे वो मुझे काफ़ी पैसिव नज़र आए, है ना। दूसरे बेटे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट और उनके खिलाफ लड़ रही थी टिकटॉक स्टार, बड़ा चर्चा में रही, सोनाली फोगाट। मगर चर्चा हो तो ज़रूरी नहीं कि वोट भी मिले। तो सोनाली फोगाट के साथ वही हुआ, करीब 29,000 वोटों से सोनाली फोगाट हारी हैं कुलदीप बिश्नोई से। वैसे भी आदमपुर पुराना गढ़ रहा है, 1968 के बाद से ये सीट कभी भी इनका परिवार नहीं हारा है। आदमपुर के लिए एक चीज़ बड़ी फेमस है, वहाँ कहते हैं कि बंसीलाल ने कोई घर ऐसा नहीं था जो छोड़ा हो जहाँ पर सरकारी नौकरी ना दी हो। भजन लाल ने कोई ऐसा घर नहीं था जो छोड़ा हो जहाँ पर सरकारी नौकरी ना हो, तो ये काफ़ी फेमस था उनके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन की जो ट्यूनिंग है आपस में, जब भजन लाल जी पूरे हुए तब चंद्रमोहन जी ने
वादा किया था, वादा कि छोटे भाई को सीएम बनाऊंगा, कि मैं एक दिन छोटे भाई को सीएम बनाकर दिखाऊंगा। अब पता नहीं भजनलाल की लेगेसी किधर जाएगी। वो भजनलाल की लेगेसी किधर जाएगी, सवाल मैंने पूछा था इंटरव्यू में कुलदीप बिश्नोई से, तो उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया, बोले 2014 का चुनाव तो बीजेपी हमारे नाम पे जीती, क्योंकि उस समय गठबंधन हुआ करता था। तो बोले कि मैंने प्रचार किया उस चुनाव, मतलब 14 के पहले मैंने प्रचार किया बीजेपी के लिए तमाम जगह, भजनलाल जी के नाम पे उन्होंने वोट मांगे और जीता, ऐसा उनका दावा था। और यही उनका कहना है कि हमारे नाम पे सरकार बननी, हमारी लेगेसी पे कोई कैसे सवाल खड़े कर सकता है। कुलदीप बिश्नोई हालांकि जीत गए हैं मगर सरकार क्योंकि नहीं बनी है, तो ये सवाल अभी भी बना रहेगा कि पॉलिटिकल लेगेसी 50-50 पर आ गया। आप देखिए ना कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी भी पहले चुनाव लड़ा करती थी, इस बार टिकट हांसी से थी, इस बार हांसी से वो नहीं लड़ी। हांसी के लोगों से मैंने बातचीत की तो लोगों ने बोला ठीक नहीं लड़ी, अगर लड़ती तो हार जाती, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन का ये हाल हमने आपको बताया। ऐसे ही और हरियाणा के बड़े राजनीतिक परिवारों और तमाम जरूरी सीटों के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए lallantop.com। शुक्रिया। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।